हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 14 क्लास 8 का बता रही हूँ। इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, वो नंबर्स जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दें। फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करने वाले नंबर्स, ठीक है। तो जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके सारे फैक्टर्स निकालने होते हैं। और यहाँ पर क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो जितनी भी टर्म्स होंगी उस एक्सप्रेशन में उन सब के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। देन यू विल गेट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो ये करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, उससे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हमें फैक्टराइजेशन करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आप 4 टर्म्स देख रहे होंगे। पहली टर्म है 6xy, सेकेंड है -4y, थर्ड है +6 एंड फोर्थ है -9x। इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए जब 4 टर्म्स रहती हैं तो जनरली आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सी 2 टर्म्स को आपको लेने से कुछ कॉमन मिलेगा पार्ट। ओके, तो ये लॉजिक रहता है व्हेन एवर देयर आर 4 टर्म्स इन द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर 4 टर्म्स हैं उस एक्सप्रेशन में तो आपको ये लॉजिक अप्लाई करना है फॉर फैक्टराइजेशन। ओके, तो देखिए सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। दिस इज 6xy -4y +6 -9x, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको ऐसी 2 टर्म्स देखनी है जिनसे कुछ कॉमन पार्ट मिल सकता है, कॉमन फैक्टर्स हो। तो आप देखिए, इसको अगर हम विदाउट रीग्रुपिंग करें, इसमें एक टर्म है रीग्रुपिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम टर्म्स को आगे पीछे करते हैं अपने अकॉर्डिंग करने के लिए, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको कहते हैं रीग्रुपिंग। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें रीग्रुपिंग करने की इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो सेकेंड टर्म है इसमें कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो देखिए इसके पास वाई है। पहले आप ये बताइए कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि कैसे लिखते हैं इसके फैक्टर। तो आप देखिए 6 का फैक्टर आप करेंगे तो 2 × 3 ही आएगा ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से करा जाता है, फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, इस तरह से 2 ही फैक्टर आएंगे, 2 और 3। तो 6 को हम क्या लिख देंगे, 2 × 3 × ये एक फैक्टर होगा x, x की कोई पावर नहीं है तो एक बार लिखेंगे y होगा। तो ये कहलाता है फैक्टराइजेशन किसका, 6xy का। नेक्स्ट है ये माइनस साइन। अब हम 4y का करेंगे, तो 4 का आप इस तरह से कर देंगे 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है 4 के, 2 × 2, तो ये लिख देते हैं हम 2 × 2 और ये y। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है, 4y टर्म का कर दिया है। नेक्स्ट है आपका 6, तो 6 का आप करेंगे सेम यही होगा 2 × 3। और 9x का करेंगे तो 9 का आप बताइए, 9 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता है, तो 3 से करेंगे हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3। और देखिए वेरिएबल भी है x, तो वहाँ लिख देंगे x। तो ये कहलाता है फैक्टराइजेशन, हमने टर्म्स का किया है अभी। अब हमें क्या देखना है, कॉमन टर्म्स, ये जो टर्म्स हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए ये 2 कॉमन है क्योंकि दोनों के पास है, दोनों टर्म्स का ये फैक्टर है, इसलिए 2 कॉमन फैक्टर कहलाएगा, बाहर निकाल के लिख देते हैं। फिर देखिए ये वाई, ये वाई कॉमन है दोनों में, तो वाई भी हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 × y लिख लीजिए, अगर आपको डाउट हो थोड़ा भी तो ऐसे लिख लीजिए। तो ये मैंने कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए हैं, अब ब्रैकेट में जो नहीं है कॉमन उनको लिख दीजिए। तो इसमें क्या बचता है, 3 × x।
माइनस, यहाँ क्या बचा है टू, ओनली टू. ओके नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है. तो इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. तो देखिए थ्री दोनों में कॉमन फैक्टर है सिर्फ, ठीक है. टू इसमें है तो उसमें नहीं है, इसलिए तो यहाँ से हम थ्री कॉमन निकाल लेते हैं. यहाँ मैंने प्लस थ्री इसलिए लिखा है क्योंकि आप सिर्फ थ्री कॉमन ले रहे हैं, थ्री के साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव होगा. अगर आप नेगेटिव लेंगे कॉमन, माइनस वन भी कॉमन लेंगे, तब आपका ये होगा माइनस थ्री. तो देखिए आप अभी इस स्टेप के बाद समझेंगे कि हमें माइनस साइन भी कॉमन लेना चाहिए था, अभी हम नहीं लेते हैं. देखिए अगर थ्री कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, टू, यहाँ टू बचेगा और इस टर्म का बचेगा थ्री इंटू एक्स, ये हो गया, ठीक है. अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये इंटू का साइन हट जाए. सो टू इंटू वाई टू वाई, थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स, माइनस टू प्लस थ्री, और ये हो गया टू माइनस थ्री एक्स. अब आपको क्या करना है, ये और ये आप देख रहे हैं सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, यहाँ पे 3x माइनस टू है, यहाँ पर 2 माइनस 3x है, आगे पीछे हैं टर्म्स और साइन यहाँ पर नेगेटिव है. सॉरी यहाँ पे 2 का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे 3 माइनस 3 है, मतलब 3x का साइन नेगेटिव है. तो आपको माइनस साइन और कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, तब आपका ये एज इट इज़ यहाँ बन जाएगा, तो वो भी एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा इन दोनों टर्म्स का. ओके तो देखिए इसको मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ. यहाँ से मैंने माइनस वन कॉमन लिया, माइनस वन, और ये है थ्री ऑलरेडी, तो वन इंटू थ्री आपका थ्री बन जाएगा. सो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है तो क्या होगा, ये नेगेटिव बाहर आ गया कॉमन में, तो ये 3x बचा और ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, ठीक है. 2 के पहले क्या है, पॉजिटिव, और प्लस जो होता है वो 2 माइनस साइन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है. अगर आप 1 लिखेंगे तो प्लस 1 किसके इक्वल होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1. तो हमने एक माइनस 1 बाहर कॉमन ले लिया है तो एक बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का. तो आप अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ जो भी टर्म्स हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं. तो मैंने माइनस साइन यहाँ कॉमन लिया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया और पॉजिटिव नेगेटिव हो गया. ओके अब आप देख रहे होंगे ये और ये तो कॉमन फैक्टर किसके हैं, सिर्फ दो टर्म्स के, फर्स्ट टू टर्म के. ये कॉमन फैक्टर है थर्ड एंड फोर्थ टर्म का, हमें तो सबका फैक्टर निकालना है, पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालना है. तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, 3x माइनस टू, 3x माइनस टू, तो ये कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस टू बाहर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y, ओनली 2y बचेगा क्योंकि ये तो कॉमन आ गया है. सो दिस इज 2y माइनस 3. तो ये है आपका आंसर इस फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें आपको फैक्टराइज करना था ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें फोर टर्म्स थी. तो ये है फैक्टर्स, 3x माइनस 2 इज वन फैक्टर, 2y माइनस 3 इज सेकेंड फैक्टर. इस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं अगर फोर टर्म्स गिवन होती हैं हमें. ओके तो ये तरीका आप बहुत अच्छे से याद रखिए, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बट ये ध्यान रखना है कि फोर फैक्टर्स, फोर टर्म्स हैं, देन यू विल गेट अ फैक्टर बाई यूजिंग दिस मेथड. टू टर्म्स का पहले आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, फिर नेक्स्ट टू का, और फिर आपको फिर उन दोनों में से कॉमन देखना है, और देन यू विल गेट दी आंसर. ओके इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16, थ्री टर्म्स हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. तो थ्री टर्म्स का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप बताइए क्या हम इस मेथड से कर सकते हैं उसे, नहीं कर पाएंगे.
इसको आपको आइडेंटिटीज़ का अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। हमने अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं चैप्टर 9 में, क्लास 8 की बुक में चैप्टर 9 में 4 अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बताई गई हैं। उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बताया है, उसको आप प्लीज़ देखिए। उसमें मैंने आइडेंटिटीज़ बताई हैं जिनका नाम है, पहला रहता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ दी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आपकी रहती है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस के लिए है, ये प्लस के लिए है। और थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये तीन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को, इन तीन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये है 49p² - 36। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें थ्री टर्म्स हैं, और यहाँ भी इस फॉर्मूले में आप देखिए थ्री टर्म्स रहती हैं राइट साइड में, 1, 2, 3। पहला ए स्क्वायर, सेकेंड बी टू बी टू ए बी, थर्ड बी स्क्वायर। तो आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x + 16, ये है। आपको ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म देखिए स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म इज़ अ स्क्वायर ऑफ एक्स, ये एक्स का स्क्वायर है। लास्ट टर्म 4 का स्क्वायर है, बिकॉज 4² = 16 होता है। तो ये आपको ये दे रहा है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर दे रहा है। तो अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको एक्स मिल रही है यहाँ पर, और बी की वैल्यू मिल रही है 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, 4 × 4 = 16, और ये एक्स का स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 4 है। तो वो आइडेंटिटी अगर लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस 2ab। 2 ए की वैल्यू डाल देंगे एक्स, और बी की वैल्यू 4, तो ये हो गया 2 × x × 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस 4² क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है 4। तो अब देखिए दिस इज सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 4² = 8x प्लस 4² मीन्स 16। सो देखिए आप ये और ये कंपेयर करिए, सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर है। इसका मतलब कि ये इस तरह का फॉर्म बना रहा है, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x + 16। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। सो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a मीन्स x और b मतलब 4। तो इसके फैक्टर्स इस तरह से आप निकालेंगे। अगर तीन टर्म्स है तो मेनली ये आइडेंटिटीज़ लग सकती हैं, इनका फैक्टराइजेशन इस तरह से करेंगे। तो आपका ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, x प्लस 4 power 2, मतलब इसके दो फैक्टर्स मिल गए आपको, पहला है x प्लस 4, दूसरा भी है x प्लस 4, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स सेम है x प्लस 4। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर, बस इसमें प्रॉब्लम, मतलब हम कहें कि आइडेंटिटी थर्ड सेकेंड वाली अप्लाई होगी, बिकॉज इन सेकेंड आइडेंटिटी आप देख रहे होंगे दिस टर्म इज़ नेगेटिव, बीच वाली जो सेकेंड टर्म होती है वो नेगेटिव होती है, और यहाँ पर भी सेकेंड टर्म कैसी है, नेगेटिव है। तो यहाँ आपको सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, और मेथड यही रहेगा, ये किसका स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर है, एंड दिस इज़ अ स्क्वायर ऑफ 3, ये 3 का स्क्वायर है, 3 × 3 = 9। सो इसको अगर आप करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को, लिख लेते हैं पहले 4y² - 12y + 9। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम 4y² को लिख देंगे 2y² क्योंकि ये 2y का स्क्वायर है। फिर ये है माइनस 2ab, 2 a की वैल्यू कितनी है, ये 2y, और b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 को आप लिख सकते हैं 3² तो आप देखिए दिस इज सेम एज दिस, ये फॉर्मूला बन रहा है सेम।
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका आंसर ये है टू वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर, मतलब दो फैक्टर्स मिल गए आपको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के और दोनों सेम है, टू वाई माइनस थ्री, टू वाई माइनस थ्री। ओके, तो इस तरह से सॉल्व हो सकता है अगर थ्री टर्म्स हैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे ओनली टू टर्म्स, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ टू टर्म्स हैं। तो टू टर्म्स हैं तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि सेकेंड थर्ड आइडेंटिटी में आप देखिए लेफ्ट साइड में दो टर्म्स हैं ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। बस आपको ये ध्यान रखना है क्या ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, आर दीज नंबर्स आर परफेक्टली स्क्वायर्स। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो आप आंख मूंद के भी वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं थर्ड वाली, ठीक है। अगर नहीं है तब आपको कंडीशंस देखनी पड़ेगी, तब आपको कॉमन लेना पड़ेगा जो भी पार्ट आ रहा है, फिर देखना पड़ेगा क्या ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 49 पी स्क्वायर माइनस 36, यही कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन 49 पी स्क्वायर माइनस 36, इसका फैक्टराइजेशन करना है हमें। तो आप देख रहे होंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, 49 पी स्क्वायर किसका है, दिस इज 7 पी होल स्क्वायर, 7 पी होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर। एंड 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 का। सो दिस कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर। तो देखिए ये सेम आपका ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए इज 7 पी एंड बी इज 6। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 7 पी, सो 7 पी माइनस बी, बी मीन्स 6, और फिर सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है 7 पी प्लस बी, बी मीन्स 6। तो ये दो फैक्टर्स आ गए आपके इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर टू टर्म्स हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं थर्ड वाली। ये आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज करके आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बस आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं। जब दो टर्म्स हैं तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तीन टर्म्स हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर फोर हैं तो आपको दो दो रीग्रुपिंग करके दो ऐसी टर्म्स लेनी है जिनसे आप कॉमन लेंगे अदर जब फैक्टर्स को, तो सेम अंदर एक कॉमन फैक्टर बनेगा दोनों के साथ और फिर उसको ले लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये है मेथड फैक्टराइजेशन करने का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को।